आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग क्लास टेंथ का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसको हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं, उसी चैप्टर में से एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लिया हूँ जो आपकी पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बल्ब जिनमें एक पर 100 वाट और 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। जैसे कि आप लोग मार्केट में जाते हैं बल्ब लेकर के आते हैं तो उसमें लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा 100 वाट 60 वोल्ट और इतने वोल्ट की, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जुड़ा गया है। क्या कहना चाह रहा है, दो बल्ब को 220 वोल्ट वाला सप्लाई में से समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं और पूछ रहा है सप्लाई से निर्गत धारा का गणना कीजिए, मतलब आई कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा जो गिवन क्वांटिटी है उसको पहले लिख लीजिएगा और क्या फाइंड करने के लिए बोला है उसको भी लिख लेना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है, दो बल्ब है, दो बल्ब का रेजिस्टेंस पता नहीं है, 100 वाट पता है। क्या पता है, 100 वाट। वाट किसकी यूनिट होती है, पावर का। तो इसीलिए P1 हमको कितना दिया है, P1 इक्वल्स टू 100 वाट दे चुका है, ठीक। अब 220 वोल्ट क्या है, सप्लाई मतलब V है, तो V हमको कितना पता है, 220 वोल्ट, क्लियर। अब पहला बल्ब का रेजिस्टेंस पता नहीं है इसलिए मैंने R1 मान लिया, तो R1 हमको पता नहीं है, ठीक। ये कौन है, हमारा फर्स्ट बल्ब का। अब सेकेंड बल्ब में पावर कितनी है, P2 हमारा कितनी है, 60 वाट है, इसका भी V उतना ही है, V कितनी है, 220 वोल्ट। अब R2 हमको पता नहीं है, R2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए, ठीक ना। अब ये दोनों रेजिस्टेंस को किस में जोड़ा गया है, समांतर श्रेणी क्रम में। तो समांतर श्रेणी क्रम को जोड़ने की तरीका थोड़ा फिगर से दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट बल्ब है, इसको R1 मान लिया, ठीक। दूसरा ये हमारा सेकेंड बल्ब है, इसको मैंने R2 मान लिया, और इसको किस में जोड़े हैं, 220 वोल्ट सप्लाई में। 220 वोल्ट सप्लाई में इसका पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ा बड़ा होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से क्या निकल रहा है, I निर्गत हो रहा है, और यही I हमको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो सर्वप्रथम हमको क्या निकालना है, R1 R2 पता चलेगा तब ना यहाँ पे पुट करके हम निकालेंगे। तो R1 R2 निकालने के लिए P और V के साथ एक रिलेशन होता है, क्या होता है, R इक्वल्स टू होता है V2 / P। और इस फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क होता है V × Q / T, Q / T होता है I, तो V × क्या आ गया, I मिल गया। I की जगह में हम क्या रख सकते हैं, V × VR रख सकते हैं, तो क्या मिल गया, V²R। V के जगह में VR क्यों रखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं V = IR होता है, V के जगह में हम लोग V/R रख सकते हैं, V/R, तो ये V²R हो जाएगा, क्योंकि V = IR होता है, पुट करेंगे तो ये आ गया। तो R निकालना है, तो R = तो क्या हो जाएगा, V²P, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, V²P। आपको इस क्वेश्चन के लिए इतनी करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट कहाँ से आया वो दिखा दिया, ठीक है। ये होने के बाद हमको तो पहले क्या निकालना है, R1, तो R1 इक्वल्स टू क्या होगा, V की वैल्यू कितनी है, 220, तो 220 का स्क्वायर अपन P1 का वैल्यू कितना है, 100, ठीक। अब जीरो को थोड़ी टाइम के लिए भूल जा रहा हूँ, तो 20 जैसे ही मल्टीपल होंगे कितने होंगे, 4, 8, 4, और कितने जीरो है, 2 को 0, क्लियर। अपन में कितना होगा, 100, तो 0, 0 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना मिल गया, 4, 8, 4। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, कर दीजिए। अब सेकेंड रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो R2 कितना होगा मेरा, R2 इक्वल्स टू V की वैल्यू तो इतना ही है, 220 का स्क्वायर अपन वाट कितनी है,
60, तो 60 रखेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, ये है हमारा 48400/60। ये 00 काट दीजिए, दो से काटेंगे तो 3, और ये कितने हो जाएगा 2420। तो कहने का मतलब 2420/3 ओम। सेकेंड रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल चुका है। राहुल देखो इतना वैल्यू है, इतना ही वैल्यू आया, उतना ही आया ना, 2420/3 पक्का। बस अब पहला रेजिस्टेंस भी मिल चुका, सेकंड रेजिस्टेंस भी मिल चुका, और दोनों को किस में रखे हैं, श्रेणी क्रम समांतर श्रेणी में रखे। तो समांतर श्रेणी के लिए उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलिए चाहे तुल्य प्रतिरोध बोलिए, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है उसके लिए, होता है 1/RP = 1/R1 + 1/R2 समझे। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, R1 R2 एलसीएम हो जाएंगे, R1 से डिवाइड देंगे तो R1 कट जाएंगे, तो R2 प्लस क्या मिलेगा R1। तो ये भिन्न में है तो ये RP ऊपर जाएंगे तो नीचे कौन आएगा 1, तो इधर वाले भी पलट जाएंगे, R1 R2 / R2 + R1। अब इसी फॉर्मूले से ये जो दो रेजिस्टेंस मिला है उसमें पुट कर देंगे, ठीक ना। अब फिगर को मैं रफ कर दे रहा हूँ, फिगर की तो और जरूरत नहीं है। तो देखिए आरपी बराबर, तो आरपी कैसे निकलेगा, RP = इस फॉर्मूले में पुट करेंगे R1 R2 की। R1 कितना है मेरा, R1 है 484, तो 484 इसके बाद क्या है इनटू, R2 कितना है 2420/3 ठीक। इसके पूरे अपन क्या है हमारा R1 + R2, तो R2 कितनी है, R2 है मेरा 2420/3 + R1 कितना है 484 क्लियर। अब यहाँ पे हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे 484 है ना, तो कोशिश करेंगे इसमें से 484 कॉमन लेने के लिए। ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल ऐसे ही रखते हुए चल रहा हूँ। क्या है हमारा 484 इंटू 2420/3। हम नीचे क्या कर रहे हैं, 484 को कॉमन लेते हैं, तो 484 जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पे कितना बचा रहेगा हमारा 5, और नीचे कितनी है 3 + 1 क्लियर। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखो 484 कट गए, ऊपर में बचा कितना मेरा 2420/3, और नीचे की सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 एलसीएम होंगे 5 + 3 क्लियर। तो ये कितना हो जा रहा है 2420/3, ये 3 ऊपर में चले जाएंगे, नीचे कितने आ जाएंगे 833 कैंसिल आउट। तो रिजल्ट कितना हो रहा है हमारा, रिजल्ट हो रहा है कहाँ पे मैं लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ, रिजल्ट वैल्यू आ रहा है 2420/8 ठीक। ये कौन है हमारा आरपी आ रहा है, आरपी ठीक। तो यहाँ पे काट दे दो से तो 4, 2 से काटेंगे तो 1210, फिर दो से काट दे तो ये कितनी हो जाएंगे 605, तो कितना आया 605/2 कौन है आरपी की वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना क्या आई, तो आई के लिए सूत्र क्या होता है, देखिए आई के लिए सूत्र होता है, आई के लिए दो सूत्र हम लोग जान चुके हैं, आई बराबर होता है Q/T और आई होता है V/R ठीक। तो यहाँ पे आई बराबर Q/T लगाना है कि आई बराबर V/R लगाना है, Q/T क्वेश्चन में दिया नहीं है, V पता है R पता है, इसलिए आई बराबर V/R लगाना है ठीक ना। तो I = V कितनी है, हाँ V कितना दिया था मेरे को 220, तो
जीरो, और जो सर्किट का आर कितना आया है यहाँ पे 605/2, तो आर की जगह में कितना रख देंगे आप 605/2, तो 2 जैसे ही रखेंगे ये पलट जाएंगे ना, 2 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, तो एक कितना आया 440/605, यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आई बराबर इतना आया 440/605 एम्पियर लिख दीजिए, चलेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0.727 एम्पियर।